जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये है बेंच कटिंग किया गया है यहाँ पे। मीन्स बेंच कटिंग इसलिए करते हैं कि जैसे कि अपना ये रोड का यहाँ पे सेंटर है, ये जो आपको नेल दिख रहा होगा ना, ये जो नेल है ये सेंटर है अपना, है ना, यहाँ के लिए। तो यहाँ से अपने को कितने में फॉर्मेशन करना है वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। जो विड्थ ऑफ लेयर अभी आगे हम बताएंगे वहाँ से कैलकुलेट होता है, और जितना विड्थ अपन को चाहिए वो विड्थ अपन मार्क करके वहाँ तक अपन एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, और उसके बाद अब इसका हम लेवल चेक करेंगे, है ना। हर एक जो जो सेंटर पॉइंट है उसके एक किनारे में यहाँ पे और टो साइड में दोनों साइड इसका लेवल चेक कर लेते हैं। और लेवल चेक करने के बाद अपन को जो इसका लेवल आएगा, ये लेवल हो जाएगा अचीव्ड आरएल उसको बोलेंगे। और इस चेनेज पे जिस चेनेज का वो अचीव्ड आरएल रहेगा, वहाँ पे उस अचीव्ड आरएल को अपन डिज़ाइन आरएल से कंपेयर करेंगे। जैसे कि अभी ये इम्बैकमेंट और सबग्रेड का काम चल रहा है, तो पहले अपन इम्बैकमेंट से उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो इम्बैकमेंट में अगर बता रहा है कि अभी वो माइनस है, मीन्स सपोज इसका आरएल 100.200 अभी अचीव्ड है अपने पास, ठीक है, और इम्बैकमेंट अभी, और इम्बैकमेंट का लेवल अगर 100.400 डिज़ाइन आरएल है, तो अपन को क्या करना है, 200 का इसमें और फिलिंग करना है। ये अपन को पता चल गया। अब सपोज़ कहीं पे ऐसा है कि 100.200 अपना आरएल है, अचीव्ड आरएल है, और डिज़ाइन आरएल वहाँ पे 100 है बस, 100.00, तो इसका मतलब 200 अपना वो बेड अप है, उसको कटिंग करना पड़ेगा। तो ये पता चलता है वहीं से, है ना। तो ये कटिंग और फिलिंग वाला जो पोर्शन रहता है ये ऐसे ही पता लगाते हैं, और इसका हम आपको प्रॉपर एक वीडियो देंगे, और उसमें जो है सर्वेइंग का भी और भी सीपी जो चेंजिंग पॉइंट होता है वो चेंज कैसे करते हैं अपन इंस्ट्रूमेंट को, ये सारी चीज़ उस वीडियो में क्लियर होगा। तो वो वीडियो देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर कंसल्ट करना हमसे, तो हम वो चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है।